नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी दी जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मथुरा जेल में बंद एक महिला कैदी को फांसी दी जानी है। देश में आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी महिला को फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। इस महिला को निचली अदालत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई है। यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस महिला की दया याचिका खारिज कर दिए हैं। दोषी महिला को अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से जान लेने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि जेल प्रशासन को अभी डेट वारंट का इंतजार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोषी महिला की दया याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि आजादी के बाद भारतवर्ष में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस महिला का नाम है शबनम। बताया जाता है कि यूपी के मथुरा जेल में 7 हत्याओं की सजा काट रही शबनम को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। मथुरा जेल अधीक्षक ने सेंट्रल जेल बक्सर को फांसी का फंदा बनाने को लेकर पत्र भेजा है। बक्सर सेंट्रल जेल के जेलर ने बताया कि मथुरा जेल से पत्र मिलने के बाद फंदा तैयार करने पर काम शुरू कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे अपने परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। अब शबनम और सलीम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा जेल में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल शबनम ने MA तक पढ़ाई की थी और उसका प्रेमी सलीम पेशे से एक मजदूर था। यही कारण था कि परिवार इनके रिश्ते के खिलाफ था। शबनम के परिवार वालों के पास बहुत ज़्यादा जमीन भी था, लेकिन शबनम अपने प्रेमी सलीम के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उसने अपने माता पिता और भाई समेत परिवार के कुल 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसमें एक 10 माह का बच्चा भी शामिल था। 14 अप्रैल 2008 को इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ध्यान दिया तो कई सवाल सामने आए, जिसमें सबसे अहम सवाल था कि क्या मरने वालों ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को मारने से पहले कोई दवा खिलाकर बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शबनम शक के दायरे में आ गई। शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें पता चला कि घटना की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। बाद में पुलिस को शबनम के गर्भवती होने का भी पता चला। शबनम शादीशुदा नहीं थी, इसलिए इस हत्याकांड में पुलिस को यह जानकारी बेहद अहम लगी। इसके बाद पुलिस ने शबनम से करीब पूछताछ की। आखिरकार शबनम टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी सलीम को भी पकड़ लिया। बताते चले कि देश में केवल बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में ही फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही यहां फंदा तैयार किया जाता है। जेलर से मिली जानकारी के मुताबिक गंगा किनारे सेंट्रल जेल अवस्थित होने के कारण फंदा बनाने के लिए जो नमी चाहिए वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। वहीं फंदा 16 फीट लंबी रस्सी से बनता है। रस्सी को बनाने के लिए पंजाब से विशेष सूत मंगाया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।